मैरी क्रिसमस दोस्तों, क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ आप सब। क्रिसमस पार्टी के लिए जो वीडियो बनानी थी उसके लिए मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। तो अगर आपको बर्थडे पार्टी में जाना है, किसी डिनर पार्टी में जाना है, किसी लाइट मेकअप में जाना है, आप बहुत हैवी ज्वेलरी का आपका मूड नहीं है, तो आज का मेकअप सिर्फ आपके लिए है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट चलिए करते शुरू हैं हैं। स्किन केयर रूटीन से। स्किन केयर रूटीन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ, खुलाई हुआ है, मैंने यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी पर्ल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस, बस स्पार्कल थोड़ा सा मेरे मेकअप में ऐड करने के लिए। नेक्स्ट हम आएंगे अपने फाउंडेशन में। फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का, शेड है इसका वॉर्म सैंड। एक्चुअली कलर थोड़ा सा हो गया है डल, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डल कलर का यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास दो शेड्स हैं, एक लाइटर है, एक थोड़ा सा डार्कर है। अगर आपकी स्किन जो है बहुत फेयर नहीं है या फिर बहुत डल नहीं है, अगर आप वीटिस हो तो कभी डार्क और कभी फेयर स्किन हो जाता है, तो आप दो तरीके का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, जैसा भी आपका स्किन टोन जा रहा हो। मैं यूज़ कर रही हूँ नायका के, दो पम्प एक ही पंप में इतना निकल। इसको मैं डायरेक्ट ब्रश से ना लगाते हुए इसका डॉट डॉट मैं बना लूंगी। नेक्स्ट मैं इसे फाउंडेशन ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। थोड़ा सा फाउंडेशन हमें नेक एरिया पे भी यूज करना है। इनसाइड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और मैं नॉर्मल उंगलियों की सहायता से ही इसको यूज़ करूँगी। हम कंसीलर को करेंगे सेट अपने चेहरे पे, उसके लिए मैं यूज़ करूँगी सेटिंग पाउडर अगेन इनसाइड का ही। इसको हम फ्लफी ब्रश से कर लेंगे सेट। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर पाउडर आपके चेहरे पे ज़्यादा लग गया है वो मेकअप के हिसाब से बाद में उसको हम हटा सकते हैं फ्लफी ब्रश की सहायता से। फिलहाल पाउडर को लगे देना है क्योंकि आपके कंसीलर को सेट करना है जहाँ आपने कंसीलर लगा रखा। नेक्स्ट आते हैं ब्रॉन्जर पे या कॉन्टूर पे। कॉन्टूर के लिए भी मैंने लिया हुआ है इनसाइट का, ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इसमें आप अपने कलर टोन के हिसाब से कैसा भी कलर जो है चूज़ कर सकते हो। मैं अधिकतर यूज़ करती हूँ डार्क ब्राउन कॉफ़ी कलर। और हल्का सा कॉन्टूर करना है अपने डबल चिन को। नेक्स्ट अपने एक्स्ट्रा पाउडर को हमें कर लेना है वाइप आउट। मेकअप अपने स्किन पे सेट हो रहा है तब तक हम कर लेते हैं ब्राउज को सेट। मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन का पेंसिल है ये। आते हैं अपने आईज़ पे। आईज़ के लिए मैंने इसमें से सबसे पहले मैं लूँगी, सबसे अच्छा वर्क करता है ये बेस कलर के रूप में, तो मैं सबसे पहले इसको ब्लेंड करूँगी अपने पूरे आईज़ पे। सेम कलर को मैं हल्का हल्का अपने आईलेट्स के नीचे भी थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैं लूँगी थोड़ा सा पॉपअप कलर, मैं लूँगी वो वाला कलर जिस कलर का मैं आउटफिट पहनने वाली हूँ। कलर को ब्लेंड करने के लिए मैंने मंगाया हुआ है अभी नया नया ही वेगा का मेकअप ब्रश, ये आई शैडो ब्रश है, ब्लेंडिंग ब्रश है, एक्चुअली इसका रिव्यू भी हो गया। मैं ले रही हूँ शेड ये वाला, ये हल्का सा शिमरी है और ये ब्राउन शेड पे है जो मेरे आउटफिट पे जाएगा काफ़ी अच्छा। इस कलर को मैंने अप्लाई किया है केवल अपने आउटर वी पे क्योंकि मैं बीच में थोड़ा सा ड्रामा ऐड करना चाहती थी, थोड़ा सिमरी शेड देना चाहती थी। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये शिमर शेड, थोड़ा गोल्डन पीच पे है ये।
और इनर कॉर्नर पे मैं यूज़ करूँगी ये गोल्डन ग्लिटर लाइनर। मैं नया कुछ ट्राई करने जा रही हूँ, वो है वाइट कलर्ड काजल। ये मैंने मंगवाया है NY से, ये भी बहुत जल्दी आया हुआ है, बजट फ्रेंडली भी है। मैंने सोचा ट्रेंड में चल रहा है तो इसको ट्राई करते हैं। लगाना है अब मुझे लाइनर, लेकिन मैं लिक्विड लाइनर ना यूज़ करके ये मैं काजल यूज़ कर रही हूँ, कोलोसल काजल मेबलिन का। इसको मैं आईलाइनर के तरीके से यूज़ करके फिर मुझे थोड़ा सा स्मोकी बनाना है। नेक्स्ट आते हैं अपने लिप्स पे। लिप्स के लिए सबसे पहले हमें यूज़ करना है मॉइस्चराइजर। यूज़ करूँगी मैं लिपस्टिक चैम्बर का। नेक्स्ट हमें यूज़ करना है अब चाहिए हमें थोड़ा सा ब्लश। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल रेड लिपस्टिक। नेक्स्ट हमें यूज़ करना है हाइलाइटर। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ब्राउज के अपने अराउंड। हाइलाइटर मैं यूज़ करूँगी अपने नोज़ पे और उसके बाद यूज़ करूँगी मैं अपने लिप्स के अराउंड। यूज़ कर रही हूँ नायका का नॉर्मल कॉम्पैक्ट पाउडर। तो दोस्तों ये है फाइनल लुक। आप इस मेकअप को कैसे भी साड़ी से मैच करा सकते हैं। मैंने यहाँ पहनी हुई है ऑर्गेंजा सिल्क की साड़ी। दोस्तों बाकी सारे वीडियो तक पहुँचने के लिए मेरे आई बटन पर क्लिक करना मत भूलिए। मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो करिए। आज के सूट की बहुत सारी फ़ोटोज़ मैंने इंस्टा और फेसबुक पर डाल रखी हैं, तो वहाँ जाइए, मेरे फोटोज़ को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।